हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बीच में तबीयत नासाज होने की वजह से, थोड़ा और काम होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, पर मैंने कहा है आपको प्रैक्टिकल पूरा करवाऊंगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा करवाने की इस होली की छुट्टियों में। तो आप पूरी इस छुट्टियों में बने रहे और अपना फाइल वर्क कम्प्लीट करें। तो अपना चला था फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल। जिसने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी, वो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकता है। जिसने देख लिए अच्छी बात है, नहीं देखी तो पहले जा करके देख ले। चलो आगे चलते हैं। अब सरल मापनी, विकर्ण मापनी, तुलनात्मक मापनी उन्होंने फर्स्ट ईयर की पढ़ ली है। इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर वाले भी पढ़ सकते हैं, एकेडमी फर्स्ट ईयर वाले भी पढ़ सकते हैं, या जिसके जिसके सिलेबस में मापनी वगैरह और ये जो चैप्टर दे रखे हैं वो है, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन देख रहे हैं मानचित्र का लघुकरण और मानचित्र का विवर्तन। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में शामिल है प्रैक्टिकल वर्क के अंतर्गत। तो मानचित्र का लघुकरण क्या होता है? रिडक्शन, यानी जो मानचित्र बड़ा है उसको अपन किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? छोटे रूप में। और जो मानचित्र यानी कि बहुत छोटा है उसको अपने को बड़े रूप में प्रदर्शित करना है, तो मानचित्र क्या कहलाता है? विवर्तन। तो दो तरीके होते हैं मानचित्र का लघुकरण और मानचित्र का विवर्तन, यानी कि रिडक्शन और इनलार्जमेंट, दो चीज की जाती है। तो अब आपको क्या एक सवाल मिलेगा, एक चित्र मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? एक तो सवाल मिलेगा आपको और एक क्या मिलेगा? चित्र मिलेगा। तो सवाल क्या दे रखा अपन पहले वो पढ़ लेते हैं। आरएफ 1:7 करोड़, इकाई 22, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 करोड़, 7 करोड़, 1:7 करोड़ पर भारत के मानचित्र का वर्ग विधि के द्वारा 1:3 करोड़ 50 लाख निरूपक भिन्न पर विवर्धन कीजिए। क्या करने का बोल रहा है? विवर्धन, यानी कि बड़ा करने का। देखो एक आएगा शब्द लघुकरण, एक शब्द आएगा आपका विवर्धन। विवर्धन का अर्थ होगा उसको बड़ा करना है, और लघुकरण का अर्थ आएगा उसको छोटा करना है। जब भी विवर्धन शब्द आएगा तो मूल मानचित्र पर जो आरएफ दिया हुआ उससे छोटा आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? विवर्धन। और अगर लघुकरण का बोलेगा तो जो मूल मानचित्र का आरएफ है वो उससे अधिक होगा, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना। तो पहले अपन सीखेंगे क्या करना, विवर्धन करना। और वो कह रहा है कि मूल मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग बने हुए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं वर्ग बनाता हूं, क्या बना रहा हूं? वर्ग। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है, आप अच्छे से जानते हो। अगर मैंने कह दिया ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ये भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ये भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। अर्थात वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है, आप अच्छे से जानते हो। तो अपन कौन सी विधि से कर रहे हैं? वर्ग विधि के द्वारा। अब आपको ये मूल मानचित्र दे रखा है, इसमें कितने क्यूब है? 25। 5 इधर है 5 इधर है, तो ये कितने बाय कितने का हो गया? 5/5 का वर्ग हो गया। उस पर क्या प्रदर्शित है? भारत का मानचित्र। हम उसे अच्छे से बना नहीं, आपको तो अच्छे से बना हुआ मिलेगा। तो आपको करना क्या है अब वो देखो। सबसे पहले तो अपन ये मूल मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर की भुजा है उसको किसमें परिवर्तित करेंगे? विवर्धित भुजा में, ठीक है। उसको करने के लिए आपको सीधा सा कुछ नहीं करना है, सूत्र है विवर्धन का, नई मापनी अपॉन पुरानी मापनी इनटू वर्ग की एक भुजा। चलो विवर्धन करते हैं। नई मापनी कितनी देर की? देखो ये तो पुरानी मापनी अर्थात ये मूल मानचित्र की मापनी यानी कि आरएफ है। पुरानी मापनी कितनी दी है? 1:1, या 1:1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 करोड़ 50 लाख अपॉन, ये लिखा है 1:7 करोड़, तो इसको लिख सकते हैं 1/7 करोड़, ठीक है, इंटू मानचित्र पर एक भुजा की इकाई कितनी है? 1। अब आप क्या करोगे इसको जब पक्षांतरण करोगे तो 1/3 करोड़ 50 लाख नीचे आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? उल्टा 7 करोड़ / 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/3500 2000 and 000 इंटू, ये इसका उल्टा हो जाएगा 7 करोड़ / 1 × 1। तो अर्थात सिंपल सा हो गया, 35 × 70, तो 2 के पारे से कट गया, 1 से 1 का गुणा, 2 से 1 का गुणा करो कितना जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी विवर्धित भुजा। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, हुआ क्या? आरएफ सवाल दे रखा है,
1:7 करोड़ पर भारत के मूल मानचित्र का वर्ग विधि के द्वारा क्या करना आप लोगों को विवर्तन करा। नया आरएफ कितना दिया 1 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख। वर्ग की एक भुजा कितनी सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर की। सूत्र क्या है विवर्तन का, नई मापनी अपॉन पुरानी मापनी इंटू एक वर्ग की भुजा। अब नई मापनी कितनी है 1:3 करोड़ 50 लाख, तो 1:1 जैसे लिखा 1:2, तो इसको 1/2 भी लिख सकते अपन। तो इसी तरह अपनों ने क्या करा इसको बटा भी लिख दिया 1/3 करोड़ 50 लाख और नीचे लिख दिया 1/7 करोड़। ठीक है, अब ये तो जैसे अंश में तो जो है वो ऐसे कैसे रहेगा, जो हर है वो परिवर्तित हो जाता है 1/7 करोड़, तो 7 करोड़ / 1 हो गया, तो 33×70 इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 2 सेंटीमीटर। पहले वर्ग कितना सेंटीमीटर का था 1 सेंटीमीटर का, अब वर्ग कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा 2। पहले ये बन रहा था कितने पर 5/5 पर, कितने पर बन रहा था 5/5 पर। अब इसका क्या हो जाएगा विवर्तन, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है अभी देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इतने देर इसको उतार लो, कैप्चर कर लो या उतार लो। अब करते हैं इसका विवर्तन। आंसर कितना आया था विवर्तन का 2, कितना सेंटीमीटर आया था 2 सेंटीमीटर। अब पहले भुजा कितनी की थी 1 सेंटीमीटर का, अब इस भुजा को कितना करना आप लोगों को 2 सेंटीमीटर का। अब गिनना आपको कितने खंड है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इधर है तो 5 भी इधर होंगे 1, 2, 3, 4 और 5। पहले मैं ये एक 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 सेंटीमीटर के कितने खींच रहा था टोटल 5, अब कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचूंगा मैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो आपको क्यूब थोड़ा ढंग से दिखे। स्केल लेना है आपको और कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है 10 सेंटीमीटर की, और 10 सेंटीमीटर की कहाँ खींचनी है यहाँ पर, और ये भी 10 और ये भी 10। फिर आपको देखना है कितने खंड है 1, 2, 3, 4, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह यहां पर भी 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 खंड हो गए आपके। ठीक है, अब आपको इसको ध्यान रखना है, ये तो खंड हो गया। अब खंड आने के बाद आपको क्या करना है कि जिस तरह इसमें कॉलम लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25 तक ऐसे इसमें लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह आगे करते जाएंगे, आपको स्केल की सहायता से करना है। मैं ऐसे ही अभी आपको जल्दी बताने के चक्कर में थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। 1 से 25, 1 से 25। पहले एक भुजा कितने सेंटीमीटर की थी 1 सेंटीमीटर की, अब ये एक भुजा कितने सेंटीमीटर की हो गई है 2, तो पहले 1 थी अब 2 हो गई, क्या हो गया मानचित्र का विवर्तन। अब जहां पर जो भाग में जिस ब्लॉक में जो एरिया कट रहा है मानचित्र का, उसी को उस ब्लॉक में उस खंड में या उस वर्ग में आपको ऐसे कैसे ड्रॉ कर देना है। क्या एक में कोई लाइन आ रही है भारत के नक्शे की, नहीं आ रही, छोड़ देंगे। दो में आ रही है सॉरी, दो में आ रही है तो दो में आप यहां से लेकर के ऐसे छोड़ दोगे। फिर तीन में आ रही है तो तीन में आप ऐसे करके और ऐसे छोड़ दोगे। फिर आपका सीधा 8 में आ रही है, ऐसे करते 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 आपको सीधे पूरा नक्शा जैसा बना हुआ था वैसा बना करके छोड़ देना है। जो लाइन जहां जिस खंड में जा रही है वहां तक आपको प्योरली ले जानी है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें उसको। ठीक है, और 11 की 11 में ले जाना, 12 में मत ले जाना। ये बन गया नक्शा, एक खाली, दो में है, तीन में है, 4 खाली, 5 खाली। ठीक है, फिर 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में भी है, 10 खाली। ठीक है, फिर ये पूरे में है, फिर 16 में नहीं है, 16 छोड़ दिया अपनों ने, 11 में 19 में नहीं है, 20 में नहीं है, और 24 में नहीं है, 25 में नहीं है, और 21 में नहीं है। इसी तरह आपने ये नक्शा बना दिया, ये हो गया। ऊपर लिख दोगे आप आरएफ लिख देना यहाँ पर, ठीक है जो है, और क्या लिखोगे मानचित्र का विवर्तन। ये बन गया आपका मानचित्र का विवर्तन का चार्ट या मानचित्र का विवर्तन। अब इसी सवाल में आपको मानचित्र का लघुकरण करना भी मैं सिखा देता हूं, इसको आप ड्रॉ कर लो।
कुछ नहीं करना है, जो ब्लॉक था वैसे के वैसे उतार देना, जो आंसर आया उस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग। अगर ये चार भागों में होती, माना कि ये चार बाय चार की होती, जैसे एक दो तीन और एक दो तीन, ऐसे एक दो तीन चार यही होती, तो ये एक दो तीन चार, तो चार बाय चार की बनती। अभी अपना नक्शा पांच बाय पांच का, इसलिए अपनों ने पांच बाय पांच का बनाया। यहाँ मूल मानचित्र जैसा बना हुआ है वैसा ही आपको ड्रॉ करना होता है। ये बना लो, फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरा कैसे। हाँ, अब अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर दो है आपका। अब क्या करना है आपको, पहले अपनों ने विवर्धन किया, बड़ा किया मानचित्र, आप क्या करेंगे, अपन लघुकरण करेंगे। आरएफ आपको वही सेम दिया है, सात करोड़ एक अनुपात सात करोड़, और भारत के मानचित्र वर्ग विधि के द्वारा। अब देखो पहले दिया था एक करोड़ पैंतीस लाख, सॉरी तीन करोड़ पचास लाख, अब आपको उसको बड़ा दिया क्योंकि छोटा करना मानचित्र अपनों को, आठ करोड़ पिछहत्तर लाख आपको आरएफ दिया है, ठीक है। उस पर क्या करना है, मानचित्र का लघुकरण करना है। वही मूल मानचित्र की कितनी भुजा है, एक सेंटीमीटर, यानी कि अब ये एक सेंटीमीटर है, पहले एक सेंटीमीटर पहले किसमें कन्वर्ट हो गया था, दो में, अब ये एक सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक से कम यानी कि जीरो पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो सवाल सोल्व करते हैं, ध्यान से देखें, सूत्र वही है आपका मानचित्र का लघुकरण करने का भी। क्या है, नई मापनी अपॉन पुरानी मापनी इंटू वर्ग की एक भुजा, ठीक है। तो नई मापनी क्या है अपनी, देखें पुरानी तो वही एक करोड़ सत्तर लाख, और नई मापनी आपकी क्या हो जाएगी, एक बटा आठ करोड़ पिछहत्तर लाख जीरो जीरो और पीछे तीन जीरो, अपॉन पुरानी मापनी कितनी है, एक करोड़ सत्तर लाख इंटू मानचित्र की भुजा कितनी है, एक। वही वापिस करेंगे पक्षांतरण, एक बटा आठ करोड़ पिछहत्तर लाख इंटू, अब एक बटा सात था तो सात बटा सत्तर करोड़, सात करोड़ सॉरी अपॉन वन इंटू वन, इसका इसमें गुणा भाग करोगे तो आपको कितना आएगा, पॉइंट आठ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.8, कैलकुलेशन आप कर लेना सेंटीमीटर। लघुकरण कितना हो गया, 0.8, पहले कितना था, एक से छोटा हो गया, यानी कि क्या हो गया आपका लघुकरण, ठीक है। ये एक बटा आठ करोड़ पिछहत्तर लाख था, नीचे था एक बटा सात करोड़, तो एक बटा सात का क्या हो जाएगा, सात करोड़ बटा एक, क्योंकि ये हर में है, ठीक है। अब ये समझ आ गया आपको कितना आंसर आया, 0.8। पहले एक वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर थी, एक, तो अब कितने की हो गई, आठ पॉइंट आठ, कितने की, पॉइंट आठ, यानी 0.8 क्या है, सेंटीमीटर। अब एक सेंटीमीटर से भी छोटा हो गया, तो अब क्या करेंगे, 0.8 0.8 0.8 कितना करना, एक दो तीन चार पांच आठ पंजे चालीस, यानी कितने सेंटीमीटर की देंगे, चार सेंटीमीटर की, इधर भी कितने की, चार सेंटीमीटर की, फिर वही वापिस क्यूब बना देंगे, फिर एक दो तीन चार, एक दो तीन और ये चार, सेम प्रोसेस। अब ये एक खंड कितने का, 0.8, ये भी 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 कितने का, 0.8, तो आठ आठ चौबत्ती आठ पंजे चालीस, यानी चालीस से मैंने क्या कर दिया, चार सेंटीमीटर कर दिया इसको, ठीक है ना। तो आप भी इससे चाहे तो कर सकते हैं, अलग अलग करके भी, अलग अलग लिख के भी आप करना चाहें, अलग अलग मेजरमेंट करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो टाइम और दिमाग दोनों की बचत होगी। फिर सेम वही प्रोसेस, क्या करना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ऐसे करते करते वापस आपको कहाँ तक लिख देना है, पच्चीस तक लिख देना है। ये लिख दिया आपने 25 तक, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस, एक में खंड में कोई भी चीज ड्राइंग नहीं है, तो मूल मानचित्र की तो नहीं बनाएंगे, जहां पर ड्राइंग है वहां पर बनाते चलेंगे।
इस तरफ से लगभग लगभग बन गया है, पूरा नहीं बना पाया हूं मैं सही। तो ये एक मूल मानचित्र की भुजा कितनी की 0.8 सेंटीमीटर, ये बन गया आपका लघुकरण वाला। आरे फ्लिपिंग ऊपर और क्या लिखेंगे, मानचित्र का लघुकरण। यह आपका टॉपिक समाप्त होता है यहाँ पर, मानचित्र का लघुकरण एवं मानचित्र का विवर्धन यानी इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन। ये फर्स्ट ईयर की क्लास का था तो ध्यान से समझा होगा आपने, थोड़ी बेसिक बेसिक नियम है वो याद रखना, वो सूत्र याद रखना है, नई मापनी अपन पुरानी मापनी इंटू मानचित्र के मूल मानचित्र की एक भुजा का वर्ग। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया, आपके अंदर को सवाल में कुछ और भी आ सकता है तो आपको मूल मानचित्र को देखते हुए चलना है, मूल मानचित्र के आरेख को देखते हुए चलना है, सूत्र वही रहेगा, बनाने का तरीका भी वही रहेगा और कुछ बदलेगा नहीं। आपको भारत के नक्शे की जगह कुछ और आकृति भी दी जा सकती है, तो आपको बस दिमाग इतना रखना है कि जिस खंड में जो आकृति आ रही है उस खंड में उस तरह की आकृति बनाने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पर 15 में है, मैंने 10 में नहीं ले गया हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है, जो जहाँ पर जिस ब्लॉक में आकृति आ रही है आपको वही वाला बनाना है, दूसरा अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना। मिलते हैं इस प्रकार की और नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।